जो उसके बाद पेज नंबर 3 पर हमारे पास जो है फिलिंग दी ब्लैंक्स है, उन्होंने अल्फाज दिए हुए, उसकी मदद से हमने जो ये ब्लैंक्स जो है ना खाली जगह पुर करनी है। पहली है अल्लाह ताला डैश है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें से जो सूटेबल वर्ड है वो हम लिखेंगे अल्लाह ताला एक है, सब डैश अल्लाह के लिए हैं, सब तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला ने डैश चांद और सितारों को बनाया, सूरज अल्लाह ताला डैश और रहम करने वाला है, मेहरबान और रहम करने वाला है। सर ये 4 फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं जिनको आप लोगों ने अपनी बुक पर फुल फिल करना है और इनको याद भी करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आपको एक जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, रात के वक्त सितारों भरे आसमान पर गौर करें, सोचें कि आसमान को खूबसूरत सितारों से किसने सजाया। स्कूल या घर के बगीचे में रंग बिरंगे फूलों पर गौर करें और सोचें कि इन फूलों को ये रंग किसने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स से हमें पता चलता है कि जो आसमान पर जो सितारे हैं वो भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और जो फूलों के रंग हैं, फूलों को जो रंग जिसने दिए हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये है कि सोच कर बताएं हमें काम करने से पहले, शुरू करने से पहले किसका नाम लेना चाहिए। तो हमें काम करने से पहले, हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ लें या अल्लाह ताला के नाम से उस चीज़ को शुरू करें, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप लोगों की वर्किंग है, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है।